Assalamu alaikum to everyone. My name is Vaneeza Mansoor. I am student of MIBF previous and today we will discuss monetary policy in Islamic economic system. So firstly we will discuss relationship between unemployment and inflation. Kyunki monetary policy ko samajhne ke liye pata hona chahiye ki unemployment kya hai aur inflation kya hai. Unemployment ki definition hai when the people are fit to work, they have willingness and skills for doing job but they don't succeed in securing job. ऐसे लोग जिनके जो फिज़िकली फ़िट हैं जॉब कर सकते हैं, उनके पास विलिंगनेस भी है, करना भी चाहते हैं जॉब और उनके पास स्किल्स भी हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं जॉब करने के लिए, बट वो जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड. इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड द प्राइस आर रेजिंग. एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पैसे की कीमत जो है वो गिर जाए हमारी एज़ कम्पेयर टू डॉलर. जब हम डॉलर से कंपेयर करें तो हमारी पैसे की कीमत गिर जाए और प्राइस जो कमोडिटी की प्राइस है जो हम कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं उनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. देन इनका रिलेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद बहुत कम हो जाती है. यहाँ पर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन लिखी है. यहाँ पर है कि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. डेफिनेटली जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है. आगे मैंने ग्राफ के ज़रिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ग्राफ के ज़रिए. इस ग्राफ को कहते हैं फिलिप्स ग्राफ, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के डिफरेंस को बताता है. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहले इन्फ्लेशन 2% थी और अनएम्प्लॉयमेंट 8% है. जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होके 8% पर चले गए वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होके 2% पर आ गई है. तो ये यहाँ पे ग्राफ भी यही बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. सो ये जो इन्फ्लेशन अभी हमने डिस्कस किया इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है. तो इन पॉलिसीज़ में नंबर फर्स्ट पे है फिज़िकल पॉलिसी विच मेड फॉर GDP ग्रोथ. फिज़िकल पॉलिसी जो है GDP ग्रोथ के अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है. एंड सेकेंड वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी विच मेड टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा देना है और कितना पैसा नहीं रखना. थर्ड वन इज़ कमर्शियल पॉलिसी विच मेड टू कंट्रोल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. थर्ड वन जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है. तो अब अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. इट इज़ एन एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस अ कंट्री मनी सप्लाई एंड द ओवरऑल इकोनॉमी. यानी कि सेंट्रल बैंक का ऐसा एक्शन जो मनी सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमी पे असरअंदाज होता. अब वो एक्शन क्या है? वो एक्शन है रेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इस रेट को जो है इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है. इस रेट को हर मुल्क का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. जैसे आगे ब्रैकेट में लिखा है फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और हमारे पाकिस्तान का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब इस रेट से होता क्या है? इस रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल में रहती है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो डिफ्लेशन हो जाएगा. अगर इन्फ्लेशन साल में 2 या 3% बढ़ता है तो वो एक नॉर्मल रेशियो होता है. नाउ सेकंड इज़ क्रेडिट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. सो इस रेट से लोगों के कर्ज़ा लेने की शरह कम या ज़्यादा होती है. एंड थर्ड इज़ एक्सचेंज रेट, यानी कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर कीमत कितनी है. इन तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ करें कि हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं और सिर्फ 3 एप्पल प्रोड्यूस होते हैं और एक एप्पल की कीमत 1 रुपया है. अगर पॉलिसी रेट ठीक नहीं सेट हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए और लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो वही 3 एप्पल्स हैं, एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो सकती. तो अब वही एप्पल जो पहले 1 रुपये का मिलता था अब वो 2 रुपये का हो जाएगा. अब जिसके पास 2 रुपये हैं सिर्फ वही वो एप्पल ख़रीद सकता है. इसी तरह अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम रखा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा लेने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट कर देंगे. और अगर पॉलिसी रेट कम रखा तो लोग कम कर्ज़ा लेंगे और अपना बैंक में पैसा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर वो अपना पैसा बैंक से निकाल लेंगे.
सेम इसी तरह महंगाई की वजह से एक्सचेंज रेट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी पाकिस्तानी की रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉलिसी रेट। हर कंट्री का अपना पॉलिसी रेट होता है, कोई किसी दूसरे का देख के अपना पॉलिसी रेट सेट नहीं करता। ये इकॉनमी को देख के सेट किया जाता है जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ सेंट्रल बैंक सेट्स मॉनेटरी पॉलिसी रेट। सेंट्रल बैंक के पास दो ही रास्ते होते हैं इस पॉलिसी को सेट करने के। नंबर वन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि क्रेडिट एक्सपेंशन बढ़ जाती है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेने लग जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोन्स लेते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग लोन्स लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादातर लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि मनी सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है। ज़ाहिर है जब लोन बैंक से लोन धड़ाधड़ लेते रहेंगे तो लोन लेकर सारे लोग तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग अपने ऊपर भी खर्चा करेंगे। और वही बात के प्रोडक्शन तो वहीं की वहीं है, पैसा ज़्यादा आ गया है लोगों के पास, तो इस वजह से उस जो कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और महंगाई हो जाएगी। सेकेंड डिसएडवांटेज ये होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाए। डेफिनेटली जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेंगे। कोई गाड़ी लेगा, कोई अच्छे ड्रेस लेगा, कोई बंगला लेगा, कोई कुछ लेगा। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि जैसे जैसे महंगाई होगी वैसे जैसे रॉ मटेरियल भी महंगा होगा, और जब रॉ मटेरियल महंगा खरीदेंगे तो प्रोडक्ट को भी महंगा करके बेचेंगे। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें सेंट्रल बैंक जो होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है क्योंकि जब वो देखता है कि लोग इतने ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, उसके अलावा मनी सप्लाई बढ़ रहा है, महंगाई दिन ब दिन होती चली जा रही है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे पैसे की कीमत करेंसी जो डिप्रेशन में जा रही थी वो भी कंट्रोल में आ जाती एज़ कम्पेयर टू डॉलर। इसका नुकसान ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लोन मिलना बंद हो जाता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आने लगता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इस्लामिक इकोनॉमिक। अब देखते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है इस्लामिक इकोनॉमिक में। टू प्रमोट अ सस्टेन एंड बैलेंस इकोनॉमिक एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर बिजनेस में पीक और डिप्रेशन आता रहता है। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करके रखती है जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बेहतरीन पॉलिसी वही होती है जो डिप्रेशन और पीक के दरमियान फासला ना कर सके। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी सो एज़ टू अवॉइड एक्सेसिव पीरियडिक फ्लक्चुएशंस। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसी भी मनी की वैल्यू को स्टेबल करके रखती है कि कहीं इकॉनमी में ज़्यादा पैसा तो नहीं आ गया, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर इकॉनमी में कम पैसा हो गया तो डिफ्लेशन हो जाएगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं। एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। अब एक्सटर्नल वैल्यू क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो है एक्सचेंज रेट, जो कि अभी हमने पढ़ा है। अब इसको एक न्यू एग्जांपल से समझते हैं कि इन 1999 में 3 रियाल का 1 डॉलर हुआ करता था, लेकिन अब करंट सिचुएशन में वो सेम लेवल पर चल रहे हैं, मतलब दोनों की कीमत एक ही है। जितना डॉलर है उतनी ही रियाल है। टू प्रमोट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये तो इस्लामिक इकोनॉमिक का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ये इस्लाम जो है हमें अपनी इनकम और वेल्थ में से डिस्ट्रीब्यूट करने का हुक्म देता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, इन द फॉर्म ऑफ ज़कात, फितरा एंड ETC। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर एक चार्ट शो किया है मैंने, जो कि आप देख सकते हैं, जिनमें कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ शो किए गए हैं। कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दो जगह पे जा रहे हैं, एक में है सूटेबल और दूसरे में है अनसूटेबल। तो सूटेबल में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी जो है वो इस्लामिक इकनॉमी के लिए अनसूटेबल है। बाकी तमाम तर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ डिफाइन किए गए हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेशियो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, इश्यूज ऑफ डायरेक्टिव, मोरल सोशन, ये सब जो हैं सूटेबल हैं इस्लामिक इकनॉमिक में। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सूटेबल तो हैं लेकिन उनमें अभी काफ़ी काम बाकी है। और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पूरे 5K5 मेंशन किए गए हैं, ये सारे जो हैं बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होते हैं। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, रीफाइनेंसिंग रेशो है, पब्लिक शेयर ऑफ डिमांड डिपॉजिट है, वैल्यू ऑफ ओरिएंटेड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट है, और कर्दे हसना रेशो है। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेंट्रल बैंक जो होता है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स एंड प्रूडेंशियल मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले आता है रिक्वायर्ड या लीगल रिजर्व रेशो। सेंट्रल बैंक के अंडर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी काम करते हैं, वो भी उसी पॉलिसी पे चलते हैं जो सेंट्रल बैंक डिस्क्राइब करता है। तो ये जो लीगल रिजर्व रेशो है ये बैंक फिक्स करता है, सेंट्रल बैंक अपने छोटे प्राइवेट बैंक्स के लिए। सेंट्रल बैंक एक रेशो बता देता है कि इस रेशो के मुताबिक आपने अपना कुछ पैसा अपने पास रखना है और बाकी तमाम तर पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भेज देना है। स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है कि आप सारा का सारा डिपॉजिट अपने पास नहीं रख सकते। ये एक तरह से रिस्की भी होता है कि छोटे बैंक्स में जो है वो डकैती वगैरह भी हो जाती है। तो रेगुलर बेस पर जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस ट्रांजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेशो मुकर्रर कर देता है छोटे बैंक्स के लिए कि आप इतना पैसा अपने पास रखो, इस रेशो के मुताबिक बाकी पैसा आप सेंट्रल बैंक भेज दो। पाकिस्तान में ये रेशो 2% है अभी। नाउ सेकेंड इज़ बैंक रेट पॉलिसी या डिस्काउंट रेट। ये एक ट्रेडमार्क होता है जो कि सेंट्रल बैंक फिक्स करता है अपने प्राइवेट बैंक के लिए कि वो लैंडिंग बोरोइंग करें। इस रेट के मुताबिक जो स्मॉल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं कि डिपॉजिट का इतना हिस्से में हिस्सा है, इतनी परसेंटेज आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। जैसे कि इस रेट के बारे में पहले भी बात हो चुकी है जब हमने पढ़ा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये उसी तरीके से सेट होता है, इंटरेस्ट रेट हाई या लो इसके अंदर हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त डिस्काउंट रेट 7.25 है। एंड द थर्ड वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि वो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो ये रेट इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब कि वो कुछ स्कीम्स जो हैं वो हायर इंटरेस्ट पर लोगों को प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक मार्केट में कुछ बॉन्ड्स इशू कर देता है, लोग वो बॉन्ड्स परचेज करते हैं और बहुत सारा पैसा जो मनी जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा होता है वो सारा बॉन्ड्स परचेज करते हैं और उस शक्ल में सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। इसी तरह ओपन मार्केट में जब सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास 100 अरब हैं, मींस के स्मॉल बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं उनके पास 100 अरब मौजूद हैं डिपॉजिट की सूरत में। उसमें से 10 अरब जो हैं वो सेंट्रल बैंक ने अपने पास रख लिए, कट कर लिए, और बाकी के जो 90 अरब हैं वो उसने कहा कि आप लोगों को लोन्स दें। अब लोगों ने लोन्स लेना शुरू कर दिए, लोन्स लिए तो उन्होंने वो पैसा कहीं ना कहीं तो रखना है, तो वो अनदर बैंक्स में वो डिपॉजिट कराएंगे जहाँ पे उनका अकाउंट होगा उसी अकाउंट में रखेंगे। अब जिस अकाउंट में उन्होंने पैसा रखवाया अब वो बैंक अपने पास 10% रखेगा और बाकी 80 अरब लोन्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसको कुछ पैसा अपने हाथ में रखना होता है ना फिक्स डिपॉजिट का ताकि ट्रांजेक्शन्स में यूज़ हो सके। अब इसी तरह जो उनसे लोन्स लेंगे वो दूसरे बैंक्स में डिपॉजिट कराएंगे और फिर वो बैंक्स भी जो हैं और लोगों को लोन्स देंगे, तो ये पूरा जो सर्कल है ये क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। और इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी प्रिंटिंग भी करता है, मतलब जब उसको लगता है कि पैसों की ज़रूरत है तो वो उसके पास अगर इतना अमाउंट होता है, क्योंकि बैंक हमारे मुल्क में जितना सोना होता है उसी के बिहाफ पे हम पैसा प्रिंट कर सकते हैं, तो वो जो पैसा प्रिंटिंग है वो भी ओपन मार्केट में इंक्लूड होता है। नाउ फोर्थ इज़ क्रेडिट रेशोइंग। अब ये क्रेडिट रेशोइंग क्या होता है,
सेंट्रल बैंक ये रेट एक फिक्स कर देता है कुछ प्राइवेट बैंक्स में कि आपने इस रेट के मुताबिक सिर्फ स्पेशल प्रोजेक्ट्स को ये लोन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो उसने किसी प्राइवेट बैंक को बाउंड कर दिया कि आप ये रेट फिक्स रखें, इस रेट के मुताबिक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लोन दें, या फिर उनको फैसिलिटेट कर दें, मतलब उनको ट्रक प्रोवाइड कर दें, या उनको लैंड ख़रीद के दे दें, या उनको बीज ख़रीद के दे दें। तो मतलब एक फ़िक्स डिपॉजिट का एक रेशो फिक्स कर दिया कि आपने सिर्फ इन प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना। अभी करंटली हाउस स्कीम चली है, तो स्टेट बैंक ने एक रेट फिक्स कर दिया कि आपने इस रेट के मुताबिक हाउस फाइनेंसिंग करनी है। नाउ कम टू क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसमें फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो प्राइवेट बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दें। ये नॉर्मल बेस पर होता नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं तो सेंट्रल बैंक उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लें, या फिर आप अपना इंटरेस्ट रेट जिस पे आप लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम कर लें। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, उनको बाउंड नहीं कर सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर है। मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पूरा आ जाता है जो हमने अभी पढ़ा। इसकी मैं जैसे एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बैंक जो होता है वो मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग का रखता है और मैक्सिमम रेट ऑफ डिपॉजिट रखता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। कि जैसे कि हमें कार परचेज़ करनी है लोन के ऊपर, लोन बेसिस पर, अब इसमें इंटरेस्ट रेट तो लो होता है, तो लो इंटरेस्ट रेट पे हम वो कार परचेज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? इसमें बैंक्स जो है सिर्फ फेवरेबल सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है, अनफेवरेबल सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता। मतलब बैंक जो है वो बाउंड्रीज बना देता है, कुछ रेट सेट कर देता है, मतलब ऐसे सेक्टर जो बैंक के लिए फेवरेबल हैं, जो फ़ायदा पहुंचाएंगे बैंक्स को, तो उनके ऊपर लोन्स देने के लिए अलाउड कर देता है, और कुछ सेक्टर जो जिसमें हमें फेवर नहीं मिलेगा उनके ऊपर लोन देना अलाउड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में या इंडस्ट्री के बिज़नेस वगैरह में अगर बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है तो वो उसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऊपर से अच्छा इंटरेस्ट उसको मिलेगा। उसके अलावा अगर किसी ने शेयर्स परचेज़ करने हैं उसके लिए लोन ले रहा है, या किसी ने प्लॉट परचेज़ करना है उसके लिए लोन ले रहा है, तो वो तो फेवरेबल नहीं होगा बैंक के लिए। उसमें एक रिस्क है कि पता नहीं ये हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन प्रेजेंट प्रेडेंशियल मेजर्स, इसमें है सबसे पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें बैंक जो है रेट फिक्स करता है कि हमने एक इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना है अपने इन्वेस्टिंग सेक्टर्स में। मतलब बैंक ने एक रेट सेट किया हुआ होता है कि डिपॉजिट में से इतना परसेंट जो है वो कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट होगा, लोन नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे हम किसी बिजनेस में। देन मॉरल सोशन, इसमें सेंट्रल बैंक जो होता है अपने छोटे बैंक्स को कहता है कि आप जो हैं हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, लेकिन सेंट्रल बैंक को बाउंस नहीं कर सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ATM के पहले जो है पैसे कटते थे, 2.5 पैसे कटते थे जब भी आप विड्रॉ करो, लेकिन अब जो है वो बैंक आपको एडवांटेज देता है कि अगर आप उसी ब्रांच में डिपॉजिट करवाए, जिस ब्रांच में आपने डिपॉजिट कराया है उसी से अगर विड्रॉ करते हो तो आपको ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है सेम इंटरेस्ट रेशियो की तरह ही होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। सेकंड इज़ रीफाइनेंस रेशियो। रीफाइनेंस रेशियो जो होता है कैश रिजर्व रेशियो के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, ये क्रेडिट एक्सपेंशन को कम करता है और मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक शेयर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये रेट जो है इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमने भी पढ़े हैं उनको देखते हुए रेट सेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वैल्यू ओरिएंटेड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। ये सेम एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की तरह होता है जो हमने पढ़ा कि उसमें जो है फेवरेबल होते हैं, लेकिन इसमें नीड को देखा जाता है। लेकिन जैसा कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो
कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो देखते हैं अपना प्रॉफिट कि हम किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, जबकि जो इस्लामिक इकोनॉमिक है वो नीड को देखते हैं कि किसको ज़्यादा नीड है इस लोन की, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी फ़ायदे को देखते हुए ये वो लोन प्रोवाइड करते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। नाउ कर्ज़े हसना तो सबको ही पता होगा। कर्ज़े हसना वो कर्ज़ जो आप किसी की मदद के लिए देते हो और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उसमें कोई अपना फ़ायदा इंक्लूड नहीं करते कि मैं चलो फिर ये दे दूँगा तो मेरा ये काम कर देना। तो कर्ज़े हसना बिना किसी लालच के या बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाता है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड है इस्लामिक इकोनॉमिक में, मॉनिटरी पॉलिसी में। नाउ कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, प्राइस स्टेबिलिटी में। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करती है, एम्प्लॉयमेंट के सारे मामलात, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, प्राइस के अप्स और डाउन्स को देखती है, प्रोडक्शन के कम और ज़्यादा होने में भी इसी का हाथ होता है, एक्सचेंज रेट में भी इसी का बहुत बड़ा हाथ है। इस रेट के ज़रा से ऊंच नीच से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमिक पर। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आए तो वो मनी सप्लाई और ओपन मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, और अगर बहुत बड़ा रेट का चेंज आए तो रिज़र्व रिक्वायर्ड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। बिज़नेस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा किरदार है, क्रेडिट क्रिएशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, उसके अलावा करेंसी की वैल्यू कम और ज़्यादा होने में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर ना हो तो फिर इकोनॉमिक बिल्कुल बैठ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का रेट जो है वो सेलेक्ट करना तकरीबन हर सेक्टर को इफ़ेक्ट करता है। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी, और अगर कोई मिस्टेक हो तो माजरत। काफ़ी मुश्किल टॉपिक था, बहुत मुश्किल से इसको प्रिपेयर किया गया है। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।